हेलो क्लास जागृति ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.5 क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की सॉल्व करने वाला हूँ हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज टू करने से पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है दैट इज़ दीज़ आइडेंटिटीज़ मैंने आपके सामने आठ आइडेंटिटीज़ लिख रखी है ये एट आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी और इस तरीके के समझोगे कि आपको याद भी अपने आप हो जाएगी चाहे आप इन्हें कंठस्थ करें चाहे कुछ भी करें बट ये आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए अगर ये आइडेंटिटीज़ नहीं आई तो ये एक्सरसाइज़ आपके होना पॉसिबल नहीं है और जो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिन बच्चों ने यह आइडेंटिटीज़ समझ ली जिन बच्चों ने ये आइडेंटिटी समझ ली और याद कर ली उनके एक्सरसाइज 2.5 बहुत इजीली हो गया और मैं आपको चैलेंज करता हूँ आई चैलेंज यू अगर इस एक्सरसाइज में से आपके एक क्वेश्चन भी ना आए तो जो आप बोलो वो मुझे कह देना ठीक है मैं आपको कह रहा हूँ विथ हंड्रेड परसेंट श्योरिटी इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू में से आप किसी भी स्कूल से क्यों ना हो कोई भी स्टेट में क्यों ना हो आपके इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट आएगा एंड दैट विल बी ऑल कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज पहले आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी समझाता ये क्या रहती है हमने सबसे पहले आइडेंटिटीज आती है आइडेंटिटी आती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या रहता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ठीक है फिर हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये जहाँ तक ये तीन आइडेंटिटी है आपके पास ये आपने क्लास एट्थ के अंदर भी सीखी होगी बहुत सिंपल सी है कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन में आपके आई होगी अगर नहीं आई है तो इस बार आप अच्छे से समझ लीजिए फिर हमारी एक आइडेंटिटी आती है एक्स प्लस है इन एक्स प्लस बी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं इसमें हमें क्या देखना है यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए ये वैल्यू मेरे डिफरेंट होगी ठीक है अगर आप इनको चाहे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ए एक्स इंटू बी ये मेरे पास आ गया बी एक्स देन ए इंटू एक्स ये आ गया मेरे पास ए एक्स एंड देन ए इंटू बी दिस विल गोइंग टू गिव मी ए बी तो यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन आ रहा है तो मेरे पास ये हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी तो देखिए क्लास अगर हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है और हम आइडेंटिटी यूज लेते हैं तो यही आता है अब एक बात ध्यान रखना अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा है सॉल्व दीज क्वेश्चन और सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग आइडेंटिटीज तो आपको आइडेंटिटी यूज में लेनी है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है ध्यान रखना है इस बात का फिर हमारे पास आता है फिफ्थ आइडेंटिटी दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई एक्स प्लस टू जेड एक्स ठीक है बेटा टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स ये आपको याद रखनी है सारी आइडेंटिटी फिर आता है आपके पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ध्यान रखिएगा क्लास इसको आप दो अगर आपने बुक में भी देखा होगा तो आप बोलोगे सर उसमें दो फॉर्मूले दे हैं दो आइडेंटिटी या दो फॉर्मूले नहीं दे रखे देखिए इसमें क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक बार आप क्या कीजिए इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए थ्री एक्स वाई तो देखिए मैं इसको वापस लिखता हूँ एक्स क्यू प्लस वाई प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई तो हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स वाई का स्क्वायर मैं मैक्सिमम टाइम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ में लूंगा तो ध्यान रखना क्लास फिर हमारे पास आता है माइनस में तो माइनस में आ तो क्या हुआ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर सिंपल है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके आपके पास वो भी आ जाएगा फिर आता है हमारे पास एक अच्छा सा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में देन ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अब ध्यान रखिए क्लास अगर मैं कहता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो तो देखिए क्लास मैं इस फॉर्मूले में अगर यहां पे जीरो रख देता हूं तो जीरो इंटू गिव जीरो, जीरो को आप दुनिया के किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा तो फिर यहाँ पे ये हो गया आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो और ये थ्री एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा तो मेरे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड इस एक्सरसाइज के सेकेंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन जब आएंगे हम तो वहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसी पे बेस्ड है ओके क्लास सो अब आपको ये फॉर्मूले सारे समझ आ गए तो ध्यान रखिएगा क्लास अब हम क्या कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट तो पहले क्या यूज में लेना है आइडेंटिटीज यूज में लेनी है आपको तो हम क्या करेंगे पहला हमारे पास आता है एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन ठीक है फिर सेकेंड आता है हमारे पास x प्लस एट एक्स माइनस टेन ठीक है ये दो पार्ट आपको मैं कराता हूं तो देखिएगा क्लास इसमें हमें क्या करना है हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें क्या करना है सर आइडेंटिटी यूज लेके इसको सॉल्व करना है तो लीजिए आइडेंटिटी यूज में यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन टू एक्स प्लस ए बी ये आइडेंटिटी आपकी यूज़ आ रही है तो ध्यान रखिएगा अगर आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा कीजिएगा बेटा यहाँ पर आप लिख दीजिए ए इज इक्वल टू फोर एंड बी इज़ इक्वल टू टेन और यहाँ पर एक्स किस की तरह है एक्स तो एक्स का एक्स वा, वाला रोल ही प्ले कर रहा है अगर यहाँ पर भी थ्री एक्स और थ्री एक्स हो जाता पे 3P है यहाँ पर थ्री पी या थ्री पी हो जाता तो हम एक्स का क्या ले लेते हैं थ्री पी लेकिन हमें यहाँ पे x ही दे रखा तो हम x को x की वैल्यू जगह ही कंसिडर कर रहे हैं तो देखिए क्लास सबसे पहला था है एक्स स्क्वायर ये लीजिए देन a प्लस बी ए की वैल्यू कितनी है सर फोर b की वैल्यू कितनी है सर टेन मल्टीप्लाई बाई x और फोर इंटू टेन तो देखिए क्लास मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है एक्स स्क्वायर फोर प्लस टेन फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी दिस विल बी योर आंसर ठीक है बेटा बहुत सिंपल सा है अब यही पार्ट हम इसके अंदर भी देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ये जो यूजिंग आइडेंटिटी वाला है सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पे भी लिखोगे मैंने आपको बता रखा है देखिए मैं हर बार आइडेंटिटी यूज़ में लिखूंगा क्यों क्योंकि मेरे पास हर बार क्वेश्चन आएगा और मैं हर बार लिखूंगा लेकिन बच्चे काफ़ी बार पूछते सर हम क्यों लिखें अरे बेटा एग्ज़ाम में आपके भी तो एक बार ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन एक ही आएगा तो उसके अंदर आपको जब प्रैक्टिस रहेगी तो तब आप वहाँ पर जरूर लिखोगे तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लिखते हैं तो यहाँ पर मेरा ए की वैल्यू कितनी हो गई एट और बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस टेन गो विथ साइन गो विथ साइन साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा मेरा फॉर्मूला था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी तो बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस टेन तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ में लेके वैल्यू पुट कर रहा हूँ सर एक्स की जगह एक्स है ए की वैल्यू मेरे पास एट है और बी की वैल्यू माइनस टेन है इन टू एक्स है देन एट इंटू माइनस टेन ये मल्टीप्लाई है ठीक है क्लास तो देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एटी विल बी योर आंसर ठीक है बेटा तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट्टी बहुत सिंपल सा है बहुत इजीली हो जाएगा ठीक है क्लास अब मैं बात करता हूँ अब मैं बात करता हूं थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स माइनस फाइव ठीक है और फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क फोर्थ पार्ट में दे रखा है वाई स्क्वायेर प्लस थ्री बाय टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू ठीक है क्लास तो देखिए यहाँ पे भी सेम हमें सेम आइडेंटिटी लेना है सर यूजिंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी अब देखिएगा क्लास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे मेरे x की जगह क्या है थ्री एक्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेरे x की जगह क्या, क्या दे रखा है थ्री एक्स तो जहां पे भी मेरे फार्मूले में x आ रहा है मैं वहां पे क्या वैल्यू पुट करूंगा थ्री एक्स so तो देखिएगा थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस फोर इंटू माइनस फाइव थ्री एक्स का स्क्वायर हो गया मेरे पास नाइन एक्स स्क्वायर फोर माइनस फाइव हो गया मेरे पास माइनस वन इंटू थ्री एक्स और फोर इंटू माइनस फाइव हो गया आपके पास माइनस ट्वेंटी एंड सर आंसर विल बी नाइन एक्स स्क्वाइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी दिस विल बी योर आंसर ये तो हमारी सेम आइडेंटिटी थी यहाँ पे एक नया कंसेप्ट था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया अब मैं बात करता हूँ पार्ट फोर की यहाँ पे देखिए बेटा आइडेंटिटी में थोड़ा सा लफड़ा है सर कैसे देखिए यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी यूज़ में ले सकते हैं देखिए सुनिए मेरी बात यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी यूज़ ले सकते हैं दैट इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर आप पहले वाले आइडेंटिटी यूज़ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं देखिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी एक्स की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा थ्री बाय टू और बी की जगह हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू लेकिन जब मेरे यहाँ पे वैल्यू सेम दे रखी होती है तो मैं क्या यूज़ लूंगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए मतलब दोनों वैल्यू सेम है जस्ट विद द ऑपोजिट साइन तो मेरे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे ए क्यों लिखा क्योंकि वाई हमें दे रखा है क्योंकि वाई हमें दे रखा है आप वाई भी लिख लीजिए कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हम आइडेंटिटी यूज में ले रहे हैं आप देखिए क्लास मेरे पास सबसे पहला था है एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर तो ये लिखा मैंने वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए क्या क्या है मेरा थ्री बाय टू का स्क्वायर तो देखिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई टू द पावर फोर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर का टू का स्क्वायर फोर तो ये आपका आंसर हो गया वाई टू पावर फोर माइनस नाइन बाय फोर ठीक है इसी के साथ जो फिफ्थ पार्ट है दैट विल बी होमवर्क ठीक है बेटा वी आर रेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो हर पार्ट करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब आपको खुद को दिमाग लगाना है देखिएगा क्लास क्या है सबसे पहला पार्ट आता है 103 जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन जीरो सेवन अब आइडेंटिटीज आपको खुद को यूज लेनी है मैं आपको हिंट देता हूं ठीक है नेक्स्ट है 95 फाइव इंटू नाइनटी सिक्स ठीक है और जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज 104 जीरो फोर इंटू नाइनटी सिक्स वन ज़ीरो फोर इंटू नाइन्टी सिक्स तो देखिए क्लास हमें यहाँ पे क्या करना है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज एट ईयर मैं इसको लिख सकता हूँ हंड्रेड प्लस थ्री और हंड्रेड प्लस सेवन और नो एंड यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी ठीक है बेटा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे एक्स की तरह कौन बिहेव कर रहा है हंड्रेड ए की तरह कौन बिहेव कर रहा है थ्री और सेवन की तरह कौन बिहेव कर रहा है बी बी की तरह कौन बिहेव कर रहा है सेवन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं नाइन्टी प्लस फाइव 90 प्लस सिक्स अगेन यूजिंग दिस आइडेंटिटी पूरी आइडेंटिटी आप वापस लिखोगे ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं थर्ड पार्ट में हम इसको ऐसे लिख रहे हैं हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड माइनस फोर तो देखिए क्लास यहाँ पे एक्चुअली मेरा पैटर्न ही ऐसा बन रहा था कि सर मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी इजीली यूज हो जाती है तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हो कोई इश्यू नहीं है ठीक है तब यहाँ क्या करते हैं एक्स की तरह कौन बिहेव कर रहा है हंड्रेड और फोर किसकी तरह बिहेव कर रहा है ए की तरह 100 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 10,000 और 4 का स्क्वायर हो गया 16. तो ये कितना हो गया मेरे पास 9,984. 9,984. सिंपल से तरीके से मैंने आपका आंसर निकाल लिया अब यहाँ पे आप खुद वापस वही मेरे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ में ले लोगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी नाइन्टी ए की वैल्यू हो जाएगी फाइव और बी की वैल्यू हो जाएगी सिक्स यहाँ पे यहाँ पे भी यही हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू सेवन लेकिन देखिए अगर आपको कोई जैसे मान लीजिए अगर आप सॉल्व करते हो कभी दिमाग लगाते हो तो देखिए क्लासिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन जीरो फाइव माइनस टू वन ज़ीरो फाइव प्लस टू हाँ या ना देखिये ये सिर्फ आपका दिमाग किस डायरेक्शन में जाता है वो उस पर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं आई नेवर बाउंड मैं कभी आपको बाउंड नहीं करूंगा कि आप यही मेथड यूज लो अगर आपको कोई और इजी मैथड अगर आपको पॉसिबल अप्रोच लगती है तो आप वह अप्रोच यूज में ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे हम ले लेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है क्लास ये सिंपल सी आइडेंटिटी आप यूज़ में ले लीजिए और इसका आपके आंसर आ जाएगा ठीक है जैसे मैं अभी आपकी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सर 100 का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सेवन इंटू हंड्रेड प्लस थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन हंड्रेड का स्क्वायर कितना होता है टेन थाउजेंड थ्री प्लस सेवन कितना होता है टेन प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर दैट इज वन वन जीरो माइनस फोर वन वन जीरो टू वन दैट विल योर आंसर आपको जो मेथड लगाना है आप लगा सकते हो देखिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कराया तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो ठीक है बेटा एंड द सेकेंड पार्ट विल बी योर होमवर्क सिंपल सा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स कैसे समझ आएगी और ये आपको पता है ठीक है बेटा ओके नाउ वी आर हैडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ वी आर हैडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री हमें कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज तो थोड़ा सा देखिए फैक्टराइज अब हमें थोड़ा उल्टा करना है पहले हम क्या कर रहे थे उनको एक्सपेंड कर रहे थे अब हम क्या करेंगे उसके एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टराइज मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा और आप इस समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है फैक्ट्राइज द फॉलोविंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज तो हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारे पास तीन क्वेश्चन आते हैं दैट इज पहला पार्ट कहता है नाइन एक्स स्क्वा प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ठीक है बेटा फिर इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो हमें कह रहा है फोर वाई स्क्वा माइनस फोर वाई प्लस वन ठीक है फिर इसका थर्ड पार्ट आता है थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हंड्रेड तो देखिए क्लास ये क्वेश्चन आपको जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि पैटर्न समझिए आप देखिए क्लास यहां पे मेरे पास स्क्वायर है यहां पे आप देखो मेरे पास है यहां पे, पे क्या है y का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x वायर बीच में है प्लस वायर तो थोड़ा सा पैटर्न याद कीजिए कि सर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ये फार्मूला मेरा किसका हुआ करता था सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बस केवल यहाँ पे टू नहीं है यहाँ पे सिक्स दे रखा है यहाँ टू की जगह में क्या दे रखा है सिक्स दे रखा है क्योंकि वो वैल्यू वेरी कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्स तो कितना है Nine X square है है की जगह y square है। तो हम क्या करेंगे क्लास देखिएगा आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर की तरफ लेके जा रहा हूं देखिएगा मैं आपको सीधा आंसर लिखे लिखने का तरीका बता रहा हूं अगर एमसीक्यू के अंदर यह आता है तो देखिए कैसे होगा नाइन एक्स स्क्वायर सर एक्स के साथ जो भी होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ इफ इट इज पॉसिबल ट्राई ऑर बेस्ट इफ़ इट्स पॉसिबल ट्राई योर बेस्ट तो देखिए कैसे होगा मैं यहाँ पे इसको सीधा लिख सकता हूँ सर थ्री एक्स यस सर नो थ्री एक्स का स्क्वायर क्या होगा थ्री एक्स का स्क्वायर क्या होगा नाइन एक्स स्क्वायर ओके फिर वाई तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई का स्क्वायर क्या होगा सर वाई स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप लोग देखिए यहाँ पे साइन क्या है जो एक्स वाई जो हमारे एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जो मिडल टर्म है उसमें आप देखिएगा मेरा साइन क्या है प्लस तो लगा दीजिए प्लस और कर दीजिए इसका होल स्क्वायर दैट विल बी योर आंसर तब सवाल आता है सर क्या मेरा आंसर कंप्लीटली आ गया है Patience, थोड़ा वेट कीजिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है अब हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं अब हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं ए प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको हम क्या चल रहे में चल रहे हैं देखिएगा हम चल रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर कराऊंगा लेकिन आपको मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूं डायरेक्ट आंसर लिख के कैसे आप आंसर बना सकते हो या फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर हम आंसर को रीच कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहला आता है सर ए का स्क्वायर दैट इज थ्री एक्स का स्क्वायर फिर टू ए बी हम क्या लिखते हैं सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर तो हमने ए का स्क्वायर दैट इज थ्री एक्स का फिर टू इंटू ए इंटू बी टू ए कितना है थ्री एक्स बी कितना है वाई और लास्ट में क्या आता है बी का स्क्वायर अब चेक कीजिए क्या मेरे पास सही आ रहा है थ्री एक्स का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर टू इंटू थ्री सिक्स एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है कोई गलत गलती का नाम निशान नहीं है ध्यान रखिए और अब हम यहाँ लिखेंगे ंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ठीक है बेटा तो देखिए क्लास आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा मैंने क्या किया मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया और उसके बाद उसको ओपन किया तो मेरे पास पैटर्न आ गया अब मैं आपको समझाता हूं पैटर्न को फॉलो करके कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहला जाता है फोर वाई वाई स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू है वाई स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू है तो मेरे एक की तरह बिहेव करेगी तो मुझे क्या उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है दैट इज वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर से मैं लिख सकता हूँ टू वाई का स्क्वायर और वन को क्या लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर कोई प्रॉब्लम बेटा बीच में साइन क्या आ रहा है माइनस का अब आप फॉर्मूला ऑब्जर्व कीजिए एक्स स्क्वायर लास्ट में आता है वाई स्क्वायर माइनस के साथ क्या आता है टू एक्स वाई क्या आता है टू एक्स वाई तो देखिए क्लास सबसे पहले टू लिखेंगे फिर मेरे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है पहले वाले टर्म की टू वाई और दूसरे वाले टर्म की वैल्यू क्या आ रही है वन और बीच में लगा दीजिए प्लस क्योंकि जो भी स्क्वायर के साथ होती है वो हमेशा प्लस के साथ होता है याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लेकिन बीच में चाहे प्लस आए या माइनस आए लेकिन जो आगे पीछे वाले जो स्क्वायर वाले टर्म थे उनके साथ हमेशा प्लस आता है तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी होगी यूजिंग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर मतलब ये पैटर्न मेरा एज इट इज फॉलो कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स दैट इज टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर यस और नो अब हमें क्या करना था इनके फैक्टर्स करने थे फैक्टर्स मतलब दोन किन जिन किन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी तो इनके फैक्टर्स में हम इनको दो बार लिखेंगे दैट इज थ्री एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे टू वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू वाई माइनस वन ठीक है बेटा मैं आपको एक ही बात बार बार बोलूंगा जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कीजिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कोई आपको रोक नहीं सकता आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वह अप्रोच कीजिए ठीक है बेटा अब एक बार इसको डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं सर ये मेरे पास फोर वाई स्क्वायर ऐसे मैं लिख सकता हूँ टू वाई फिर यहाँ पर आ रहा है माइनस तो ये ले लिया मैंने माइनस और लास्ट वाले टर्म दैट इज़ वन का स्क्वायर ये मेरा आंसर है यस और नो टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर आप देख सकते हो यही मेरा आंसर है आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो कीजिए ओके क्लास अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है लास्ट में वाई स्क्वायर है बीच वाला टर्म तो है ही नहीं टू एक्स वाई जिसमें एक्स और वाई का मल्टीप्लाई होता था तो वो नहीं है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए इसके अंदर कोई लफड़ा है क्या सर देखिए एक्स स्क् माइनस वी स्क्वायर यूजिंग टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई याद कीजिए जब दोनों टर्म में स्क्वायर होता है और अपॉन बीच में उनके माइनस का साइन होता है तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लेकिन यहाँ पे कुछ लफड़ा है सर क्या लफड़ा है देखिए यहाँ पे क्या है यहां पे क्या लफड़ा है थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे सर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई के ऊपर भी स्क्वायर है लेकिन हंड्रेड के ऊपर स्क्वायर नहीं है सर हंड्रेड के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हाँ है ना ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी देखिए एक्स स्क्र माइनस वाई अपॉन टेन का होल स्क्वायर क्योंकि देखिए बेटा स्क्वायर आपके केवल वाई के ऊपर लगा हुआ था हंड्रेड के ऊपर नहीं लगा हुआ था अब आपको पता है सर हंड्रेड को मैं क्या लिख सकता हूं टेन का स्क्वायर तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो यहां पे मेरे क्या हो जाएगा अब मैं प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे x प्लस वाई अपॉन टेन और x माइनस वाई अपॉन टेन ठीक है क्लास तो एक चीज का ध्यान रखना ये पूरा जो अपॉन में डिवाइड का साइन आ रहा है ये पूरा मत ले लेना ले एक्स को भी साथ में मत ले लेना एंड दिस विल बी योर आंसर ठीक है क्लास सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है इतना टिपिकल नहीं है तो देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहा है सर एक्सपेंड कीजिए तो आपको पास एक ब्रैकेट दे रखा होगा उसको केवल आपको सिंपली एक्सपेंड करना है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का स्क्वायर ठीक है फिर हमें इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर तो देखिए क्लास फर्स्ट और फिफ्थ सेकंड थर्ड फोर्थ एज इज़ सेम है एज इज़ सेम है बेटा कोई डिफरेंस है ही नहीं केवल वैल्यूज का डिफरेंस और वैल्यूज का डिफरेंस तो आप स्वयं कर लोगे आप खुद कर लोगे तो देखिए क्लास हमें इसके अंदर क्या करना है यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे पता है सर यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स ये मैं इसको थोड़ा लेंदी क्यों लिखा था कि मैं यही आइडेंटिटी वहाँ पे भी यूज ले लूँ अब आपको ध्यान ये रखना है बेटा थोड़ा सा ध्यान देना के सर मैं जब वैल्यू पुट करूं तो पहले ब्रैकेट ज़रूर बनाएं बच्चे पता नहीं ब्रैकेट क्यों नहीं बनाते बच्चों को ब्रैकेट बनाने से क्या प्रॉब्लम रहती है मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूं आप ब्रैकेट बनाइए आपका आंसर सही आएगा क्योंकि जब वैल्यूज़ नेगेटिव में होती है और नगेटिव वैल्यूज़ को आप हमेशा ब्रैकेट के साथ रखिए देखिए कैसे यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव कौन एक्स की वैल्यू क्या है सर एक्स ही है वाई की वैल्यू कितनी है सर टू का होल स्क्वायर फोर जेड का होल स्क्वायर फिर टू एक्स की वैल्यू कितनी है सर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सर टू वाई वाई की वैल्यू कितनी है सर टू वाई जेड की वैल्यू कितनी है सर फोर जेड जेड की वैल्यू कितनी है सर फोर जेड और एक्स की वैल्यू क्या है सर एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली कोई बात नहीं आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर फोर का स्क्वायर नहीं टू का स्क्वायर फोर और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और z का स्क्वायर जेड स्क्वायर टू इंटू टू फोर ये हो गया मेरे पास फोर एक्स वाई टू इंटू टू फोर फोर इंटू फोर सिक्सटीन वाई जेड एंड टू टू टाइम्स फोर फोर दैट इज एट एट इंटू जेड एक्स आपने आंसर में ऑब्जर्व करोगे सर कहीं xz लिखा हुआ है जेड इंटू एक्स एंड एक्स इंटू जेड बोथ आर द सेम थिंग उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ठीक है बेटा आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बहुत सिंपल है इन द सेम वे इन द सेम वे अब देखिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की फिफ्थ पार्ट में भी सेम है यूजिंग आइडेंटिटी आपको आइडेंटिटी पता है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स ठीक है बेटा तब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर हमें क्या करना है केवल वैल्यूज पुट कीजिए तो देखिए मेरे पास इस बार साइन क्या है x का साइन नेगेटिव में है z का साइन नेगेटिव में है ध्यान देना ये ध्यान देने की बात है और बहुत ज्यादा जरूरी है मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ध्यान देना इस चीज पे देखिए क्या होगा यहाँ पे केवल आप वैल्यूज पुट कर दीजिए दैट इज माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस टू इन माइनस टू एक्स इंटू फाइव वाई प्लस टू इंटू फाइव वाई इंटू माइनस थ्री जेड प्लस टू इंटू माइनस थ्री जेड इंटू माइनस टू एक्स तो देखिए क्लास किसी भी वैल्यू किसी भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अगर पावर इवन होती है चलो इवन छोड़ो अगर स्क्वायर होता है तो आंसर विल ऑलवेज भी पॉजिटिव तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव Hai, dekhe, two two, four. Four five, kaya, y का स्क्वायर प्लस माइनस है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा नाइन जेड का स्क्वायर अब देखिए टू इंटू टू फोर फोर इंटू फाइव माइनस ट्वेंटी ये हो गया माइनस ट्वेंटी एक्स वाई देन टू इंटू फाइव टेन एंड टेन इंटू माइनस थ्री देट इज माइनस थर्टी वाई जेड माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू थ्री सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एक्स जेड एंड दिस विल बी माई आंसर ये हमारा आंसर हो गया ठीक है बहुत सिंपल सा है क्लास तो प्लीज़ थोड़ी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और हाँ प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना इसके साथ हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में थोड़े से ब्रैकेट दे रखें दैट इज सिक्स पार्ट वन बाय फोर ए माइनस वन बाय टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर सिंपल है कोई चेंजेस है ही नहीं ये ए बाय फोर हो गया बी बाय टू हो गया ये प्लस वन हो गया अगेन यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स तो देखिए क्लास से वैल्यूज प्रूट कर दीजिए आप एक्स की वैल्यू कितनी है सर वन इंटू ए वन इंटू स्क्वायर प्लस बी बाय टू दैट इज माइनस का क्योंकि हमारे माइनस है ध्यान दीजिए क्लास यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो माइनस साथ में ले रहे हैं दैट इज जेड क्या हो गया मेरे पास वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए अपॉन फोर इंटू माइनस बी अपॉन टू प्लस टू इंटू माइनस बी अपॉन टू इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू ए अपॉन फोर तो देखिए क्लास अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊँ तो आप पता नहीं क्या गलती कर दोगे ए बाई फोर माइनस बी बाई टू कर दोगे दैट इज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन आप उसमें ऐसी गलती ना करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास ए टू द पावर स्क्वायर दैट इज़ अपॉन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन यहाँ पे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ये हो जाएगा मेरे पास वन तो देखिए टू से टू कैंसिल माइनस ए बी माइनस ए बी अपॉन फोर तो देखिए यहां पे भी टू से टू कैंसिल तो ये आ गया मेरे माइनस बी ठीक है यहाँ पे टू वन टाइम्स एंड फोर टू टाइम्स हो जाएगा एंड दैट इज ए अपॉन टू सो दिस विल बी माय आंसर ठीक है क्लास विद दिस विद्लीटेड आर एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर फोर हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फोर तक कंप्लीट कर लिया इसके तीन पार्ट मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ सो इट्स टाइम टू से गुड बाय समय की सीमा यहीं पर समाप्त होती है हम अमार, जो हमारी जो बाकी के एक्सरसाइज है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे आई जितेंद्र करवा जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हमेशा इसी तरह से अभिनंदन रहेगा आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू बेटा गुड डे